वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आप घर के नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। और उसमें के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये दो काम करेगा, पहला तो आपकी स्किन को क्लियर करेगा एंड दूसरा आपके स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको ये रिमूव करेगा। तो दो चीज़ों के लिए है और दो ही चीज़ें इसमें जरूरत भी पड़ेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते उस रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए चिरौंजी एंड देन दूसरा कच्चा दूध, ठीक है। चिरौंजी जो होता है वो डार्क स्पॉट्स हटाता है, ब्लेमिशेस को हटाता है और आपकी स्किन को क्लियर करता है, ठीक है। तो इसलिए चिरौंजी आप जब भी फेस वॉश करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके का स्किन जो होगा वो पहले से चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसको छूने में। एंड देन आप जब धुलोगे तो आपको पूरी स्किन में क्लियरिटी नजर आएगी। एंड दूसरी चीज़ इसमें दूध की जरूरत पड़ रही है क्योंकि दूध जो होता है यदि आप कच्चा दूध यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ। तो आपको चिरौंजी पूरा नहीं, कम से कम इसमें से 4 से 5 दाने लेने हैं। एंड जहाँ पे भी अभी यदि आपको ज़्यादा डार्क स्पॉट्स होगा वहाँ पे आपको वहाँ पे ज़्यादातर लगाना है और उसके बाद में पूरे स्किन पे आपको ये थोड़ी देर के लिए मसाज करना होगा। एंड देन जहाँ पे भी डार्क स्पॉट होगा ये आप वहाँ पे लगा सकते हो, जिससे कि वहाँ पे का जो भी दाग होगा वो हटने में थोड़ा जल्दी आसानी से वो हटेगा, ठीक है। तो इसको लेने के लिए पहले देखिए मैं क्या करूँगी कि इसमें से 4 से 5 दाने मैं कुछ ले लूँगी थोड़े से ही, क्योंकि ज़्यादा तो यूज़ करने नहीं है और चिरौंजी काफ़ी कॉस्टली भी आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो देखिए मैंने 5 दाने लिया। यदि आपको डार्क स्पॉट ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको इस पर दूध में देखिए हल्का सा दूध इसमें मिक्स करना है जैसे कि पूरे स्किन तक लग जाए वो, ठीक है। एंड देन देखिए मैंने इसको ले लिया, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में इसको मैं पीस दूंगी ताकि इसका जो भी इसका एक्सट्रैक्शन होगा वो दूध के साथ में मिल जाएगा, देन स्किन पे आपको लगाने में ज़्यादा आसानी से लग जाएगा। देख सकते हो कि मैंने इसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया है, अब मैं इसको फेस पे अप्लाई करूँगी। देख सकते हो यहाँ पे मेरे को पिंपल हुआ था तो यहाँ पे थोड़ा स्पॉट है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई करूँगी एंड आपको ये पूरे स्किन पे अप्लाई करना है। तो गाइस फेस वॉश करने के बाद में आप फर्क देख सकते हो कि अभी कैसा है अंदर बाद में किस तरीके का चेंजिंग होगा। और जहाँ पे भी डार्क स्पॉट है वहाँ पे आप कम से कम वीक में आप 2 बार या फिर 3 बार भी कर सकते हो, जिससे कि जल्दी आपका जो भी डार्क स्पॉट है उसको रिपेयर स्किन रिपेयर करने में मदद करेगा। तो चलिए 15 मिनट के लिए वेट करते हैं एंड देन आपका रिजल्ट शो करते हैं। देख सकते हो कि मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड देन जो चिरौंजी होता है ये बहुत ही स्किन को स्मूथ बना देता है और देखिए मेरे को टच करने पर एकदम क्लियर एंड मेरी स्मूथ स्किन हो चुकी है। तो अब ये जो भी डार्क स्पॉट है वो भी बहुत जल्दी हटाएगा एंड देन जो ब्लेमिशेस वगैरह जो भी रहते हैं ये सब कुछ बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है। और चिरौंजी की बहुत ही खास बात होती है कि यहाँ जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट है वहाँ पे यदि आप लगाते हो तो वो तुरंत उसको रिकवर करने में बहुत जल्दी असर करता है, ठीक है। तो गाइस तो ये रेमेडी आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेगा एंड देन बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, बॉडी अच्छा शेयर करेगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब के बगल में एक नोटिफिकेशन बेल भी होगा, आप उसको भी बजा दीजिएगा ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।